तो अभी मैं घर आ गया हूँ। अभी मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, सब कमेंट करके पूछ रहे हैं भाई हानिया कब आएगी। तो हानिया आने वाली है। सबसे पहले वजू कर लेते हैं भाई, गर्मी में वजू करके तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुल्तानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी हमने। मुल्तानी मस्जिद हमारे एरिया की सबसे पुरानी मस्जिद है। टिक्की खा ली अब अपनी, दही पूरी आ गई। तो दोस्तों, काफ़ी लोग आप में से जो नए आए काफ़ी बोलते रहते हैं आपका सिटी दिखाओ सिटी दिखाओ। तो आज हम कुरियर लेने जा रहे हैं, इसी बहाने थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। बस इतना तो बोलना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आता है सब, आता है आपको, इतना बोलते हो आप। मैं सिखाता हूँ, बोलो हाय गाइस। हाय गाइस, ऐसे नहीं, सीधे सीधे हाय गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी का सीन है, अभी अभी सुबह उठ गया हूँ, उठते ही नहा लिया हूँ और अभी हमारा नाश्ता चल रहा है उमर साहब के चाय तो से। मेरा एक कप दूध है, खजूर लाना भूल गए भाई, खजूर भी खाता हूँ साथ में, तो ले आएंगे अब आज जाके। अभी वैसे मैं जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के साथ, उसका फ़ोन हमने ऑर्डर किया था पर वो आया ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। अभी सेल चल रही है ना, तो डिलीवरी पर्सन बिल्कुल फ्री नहीं है, तो हम सोच रहे सीधे कुरियर ऑफिस जाके ही ले आते हैं। तो अभी कुरियर ऑफिस जाने वाले हैं, मेरा फ्रेंड आ ही रहा है बस, नितेश, जिसकी शादी हुई थी अभी अभी, आपको पता ही होगा। तो नितेश आ चुका है, चलो चलते हैं। हाँ लाला, मोबाइल लेने जाएगा मतलब मानेगा नहीं, तेरा फायदा करा दे, एक ब्लॉग बनवा दे। अच्छा इसलिए आया। वाह भाई, हमारे फायदे की इतनी बिकार है, देखो तुम लोग उससे दिखना चाहिए ना जनता को, नीचे फिर दिखाओगे कि उससे। तो अभी पेट्रोल डलवा लिया है, हवा डलवा रहे हैं। अरे ये क्या है, कार्ड बनते ना गाड़ियों के। हाँ हाँ, उस पर वो पॉल्यूशन यूनिट कंट्रोल, वो अच्छा, वो फोर व्हीलर का होता ना ये अनिवार्य, उस पर 50% है। सही है यार, यात्री कार्ड आ गया है अभी। तो अभी इलेक्शन चल रहा है ना इंडिया में, तो गवर्नमेंट उन लोगों को फ़ायदा देगी जो लोग वोट डालेंगे, जो वोट डालेंगे उनका जो पीयूसी कार्ड है, जो पॉल्यूशन यूनिट कंट्रोल कार्ड होता है, वो जो है 50% डिस्काउंट में बनेगा अगर आप वोट डालोगे। तो सही चीज़ है, वोटर्स बढ़ाने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे। तो दोस्तों, काफ़ी लोग आप में से जो नए आए काफ़ी बोलते रहते हैं आपका सिटी दिखाओ सिटी दिखाओ। तो आज हम कुरियर लेने जा रहे हैं, इसी बहाने थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल हम जिस रोड पे चल रहे हैं, ये महात्मा गांधी रोड है, इसको MG रोड भी बोलते हैं। तो या ये जो है ना इंदौर का सबसे बिजी रोड है, यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स या फिर कह लो ज्वेलरी शॉप्स, बड़ी बड़ी बहुत सारी यहाँ पर अवेलेबल होती है। और यहाँ पर हाई कोर्ट भी है इंदौर का, और इसके अलावा जो कमर्शियल ऑफिसेज बिल्डिंग्स होती है वो सब यहीं पर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रोड है इंदौर का, और इंदौर को कनेक्ट भी करता है, ओल्ड इंदौर और न्यू इंदौर को ये कनेक्ट भी करता है। तो हम जिस साइड रहते हैं वो उस साइड न्यू इंदौर है, वैसे हमारी साइड भी अब ओल्ड में ही आने लगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारे एरिया भी। लेकिन जो बिल्कुल एकदम सबसे ज़्यादा पुराना इंदौर था ना, जो ऑथेंटिक इंदौर था, वो इस रोड से जो हम सीधा जा रहे हैं ना उसके बहुत आगे आता है, जो ओरिजिनल इंदौर, जो सबसे पुराना इंदौर होता था, जहाँ पर राजवाड़ा पहले से, जो कि इंदौर की क्वीन का एक महल था। और बाकी ये जो जिस रोड पर चल रही है, ये बाद में, बहुत बाद में सेटल हुआ। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो ये बड़ी सी ज्वेलरी शॉप है, कल्याण ज्वेलर्स, काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद ये आनंद ज्वेलर्स, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर फेस्टिवल पे ये डेकोरेट करते हैं। अभी अक्षय तृतीय का फेस्टिवल था तो उस पर इन्होंने इस तरह से डेकोरेट किया है। यही सर, मकोवा सेल, फैब्रिक सूट्स, कटपीस, सारी इस तरफ ही आएगा यार कहीं, उसमें देख लेते हैं ना अभी मैप में। फिर उसकी तो क्लियर लोकेशन रहेगी ना, गुरु कृपा शुरू हो जा शुरू।
तो जी घर हम आ गए हैं, अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने। कुरियर तो हमें मिला नहीं। उनसे कुरियर लेने गए थे आप लोग? नितेश का फ़ोन आया था, उसका कुरियर लेने गए थे, पर वो मिला नहीं, उसका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है। तो वो घर पर नहीं आया फ़ोन? घर पर नहीं आया ना, इसीलिए तो लेने गए थे। वो उनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो अब वो बोल रहा है 4 बजे तक आके ले जाना। 4 बजे चल के ले आएंगे तो। अच्छा, तो नमाज पढ़ के हम आ चुके हैं घर, अब खाएंगे खाना। अभी हम बैठ चुके हैं खाना खाने। खाना खा भी लिया है हमने, सब ख़त्म हो गया। अम्मी, फैजान, सबा, उनमें हम सब ने साथ में खाया। खाना खाने के बाद बोल रहा खाना खाने बैठ चुके हैं। तो अभी हम दोबारा से जा रहे हैं फोन लेने, पर उससे पहले असर की नमाज पढ़ेंगे। और इस बार मैं जा रहा हूँ साहिल के साथ। साहिल आ गया था तो मैंने सोचा हम भी जाते हैं। स्टैंड ऐसा करो स्टैंड। तो हमारी नमाज जो है हो चुकी है, मुल्तानी मस्जिद में नमाज पढ़ी हमने। मुल्तानी मस्जिद, ये देखो, ये हमारे एरिया की सबसे पुरानी मस्जिद है। Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart, now I'm falling fast and my world's expanding, feels like love. तो भाई मोबाइल तो मिला नहीं, तो अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। छोरी गोलगप्पे नहीं, छोले टिकिया, छोले चाट, तो वो खाने जा रहे हैं। हमारा दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए अब थोड़ा दिमाग फ्रेश करेंगे। फ़ोन वाले ने बोल दिया कि कल मिलेगा फ़ोन, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कुरियर है। अभी सेल चल रही थी ना, सब चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखे थे, तो इस वजह से बहुत डिले हो गया। सेकेंड वाला इधर लगा दे, सामने सामने ला। दो टिक्की बनाना स्पाइसी, मीडियम मीडियम मीडियम। तो हमारी छोले टिकिया बनके आ चुकी है, आप इसको छोले चाट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। साहिल ने तो ऑलरेडी खाना स्टार्ट भी किया है, काफ़ी क्वांटिटी होती है, पेट भर जाता है। तो टिक्की खा ली, अब अपनी दही पूरी आ गई। तो अभी मैं घर आ गया हूँ। अभी मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, सब कमेंट करके पूछ रहे हैं भाई हानिया कब आएगी। तो हानिया आने वाली है 15 मई को मैं जाऊँगा लेने, और फिर वो आ जाएगी, फिर आपको वो भी नज़र आएगी हमारे ब्लॉग में। और रीज़न यही था इतने दिन का कि सोनम के भाई के यहाँ पर बेटा हुआ था, आप सबको पता ही है। तो सोनम की भाभी जो है वो रेस्ट पर है, आपको पता ही है, करना ही पड़ता है रेस्ट इस चीज़ के दौरान। तो सोनम अपनी मम्मी की हेल्प करवाने के लिए वहाँ गई हुई थी, तो अब सोनम 15 मई को आएगी, क्योंकि सोनम की जो बड़ी सिस्टर है सोनम के बदले वो वहाँ पर आ जाएंगी। तो यही रीज़न था इतने दिन वहाँ पर रुकने का। 2 hours later तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उमर को छोड़ने, इसके घर जाएगा। ये अब बोर हो गया क्रेजी XYZ देख देख के, अब बाहर खेलेगा कूदेगा थोड़ा, है ना। हमारे यहाँ पे घर घर में रहना पड़ता है ना। उमर को इतनी खतरनाक नींद आ रही थी, उठ सोने नहीं दिया मेरे। हाँ तो आप सो जाएगा, इसके होगा वो फिर जगता पूरी रात। 5-6 बजे सो रहा था ना, कोई नहीं, अभी 8 बजे से 8 बजे सो रहा था। अभी सो जाता ना अगर 8 बजे तो फिर रात को 4 बजे सोता सुबह। वाह यार, आगे बैठ गया उमर साहब को आगे। तो अभी उमर को हमने छोड़ दिया है, अभी हम आ गए हैं मेडिकल शॉप पर। अम्मी की बीपी की दवाई लेना थी, इसलिए अब बाहर निकले तो मुझे याद आ गया हमें खजूर भी लेना है, तो खजूर लेते हुए चलते हैं घर। भाई खजूर का पैकेट देना, कीमिया का। ये खजूर ला बेटा, पीछे से मैं नहीं था यहाँ, इसलिए तुम्हें फोन लगाया। तुमने आशी मामा से बोला ये वो, तुमने बोला भेज देना, तो चले ना मेरे। भाई जब से UPI पेमेंट सिस्टम शुरू हुआ है ना,
कैश रखने की झंझट ही खत्म हो गई, ऑनलाइन पेमेंट करो और छुट्टी। UPI पेमेंट करते हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं और 7 साल से मैं पॉकेट में कैश रखता हूँ पर बहुत ही कम, ना के बराबर, क्योंकि मेरा काम ऐसे ही हो जाता है ऑनलाइन पेमेंट करके, तो कैश रखने की ज़रूरत ही क्या है। बेस्ट पार्ट ये कि हर छोटे से छोटा वेंडर UPI पेमेंट एक्सेप्ट करता है, चाहे वो एक सब्ज़ी वाले भैया हो जो ठेला लेके घूम रहे हैं, चाहे वो एक पान की शॉप वाला हो, पान की गुमटी हो, सब लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं UPI। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं घर। आज के व्लॉग में अम्मी बहुत कम दिखी है, अम्मी ने अभी दूध लिया, अब दूध को छान के फिर गर्म करेंगे। हम जग में दूध लेते हैं, ये बाल्टी है, इसको लटका देते हैं नीचे और नीचे से दूध वाले भैया दूध देते थे और बाल्टी में रख देते हैं जग को, फिर हम ऊपर खींच लेते हैं रस्सी से। तो दोस्तों आज के व्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। भाई ऐसी हमारी लाइफ है, सिंपल जिंदगी है, तो ऐसे ही आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। आप बताना कैसा लग रहा है आपको व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।